हकीम साहब, बात करना चाहूँगी आज मैं गोंद सिया के बारे में ही। गोंद सिया ने वैसे तो धूम मचा रखी है, अब तो घर घर में गोंद सिया देखने को मिल ही जाता है और बहुत आसानी भी है इसका इस्तेमाल करना। जैसे आप बताते हैं, गोंद सिया जब व्यक्ति खाता है तो किसी को 15 दिन में असर होता है हकीम साहब, किसी को हफ्ते भर में, किसी को ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न क्या है दर्शकों के मन में होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दर्द कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? और देखिए, एक तो कोई भी दवा, रॉ मटेरियल जो हम खाते हैं या कोई भी दवा, तो हमारे जिस्म में जाकर वो ये करती है कि जिस्म से काम लेती है, या यूं समझ लीजिए हमारी बॉडी इस दवा से काम लेती है। बात दोनों एक ही है। तो हमारी बॉडी जितना रेस्पॉन्ड करती है उस दवा को, उतना ही ये दवा काम करती है। किसी के जिस्म में बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि दवा को रेस्पॉन्ड करे, तो कुछ लोग तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों को बॉडी बिल्कुल दवा को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देती या बहुत देर से देती है, तो उनको देर में फ़ायदा होता है। और ये भी होता है कि फ़ायदा हो गया, काफ़ी फ़ायदा हो गया या पूरा फ़ायदा हो गया और फिर से दर्द भी आ सकता है। जैसे होता क्या है कि जब हमें तकलीफ़ होती है तो हम एहतियात खूब करते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि वज़न नहीं उठाएं, झाड़ू पोछा नहीं करें, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, तो उस वक्त तो वो मरीज़ बात मान लेते हैं और बाद में फिर वो सब कुछ करने लगते हैं। अरे, कर तो सकते हैं लेकिन एहतियात से बहुत करना है। जब आप ठीक हो गए तो एकदम अपने ऊपर इतना बोझ मत डालिए काम का कि फिर से आपको वो रोग हो जाए। और देखिए, गलती जो भी करेगा, चाहे मैं हूँ, अगर मैं भी उस दवा के साथ जो हिदायत दी गई हैं उन पर अगर अमल ना करूं तो मैं भी दोबारा बीमार हो सकता हूं। कमलेश जी हैं पंसारा गांव से, स्वागत है आपका मैम। हाँ जी सर, मेरे ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, बिना सहारा लिए मतलब भी बैठा नहीं जल्दा। अच्छा, कब से है ये? तो 1-2 साल हो गए सर, दवाई भी खाई, गोंद सिया। अच्छा, कुछ फायदा हुआ था? हाँ जी, दोबारा तो फिर हो गए सर। अच्छा, पहले बिल्कुल ठीक हो गए थे आप? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो दर्द आपका ठीक हो गया है, हाँ जी, या तो हमारी गलती से या किसी और वजह से दोबारा भी हो सकता है। मैं अभी ये कह रहा था, आप सुन रहे होंगे प्रोग्राम में, कि जब हमें तकलीफ होती है और डॉक्टर हमें दवा देता है तो वो कहता है ठंडी चीज़ मत खाना, ठंडा पानी मत पीना, नज़ले की दवा दे देता है, तो हम कुछ दिन तो इग्नोर करते हैं और फिर एकदम जैसे ही हम ठीक होते हैं तो दोबारा वही सब करने लगते हैं। तो आपको एहतियात है, अभी कुछ दिन आप गोंद सिया लेते रहें और अगर दर्द ज़्यादा हो गया है तो 5 दिन दर्द की दवा के साथ मिलें, और वही सब मेरी आपसे मेरा अनुरोध कि वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें कुछ दिन तक। और अगर आप जल्दी ठीक हो गए थे, ठीक, कोई जल्दी भी ठीक हो जाए, अगर कोई 15 दिन में अच्छा हो जाए तो उसे 3-4 महीने दवाई खाना ज़रूरी है ताकि वो रोग जड़ से निकल जाए। हकीम साहब, अगर मैं बात करूं यहाँ पे चिलगोज़ा गोंद के बारे में, होता तो ये बहुत तेज़ है, हमारे सारे गोंद में सबसे तेज़ है चिलगोज़ा गोंद। तो जैसे हमें प्यास नहीं लगती है, या फिर बहुत सारे लोग क्या है मात्रा अधिक कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि जितनी मात्रा आपने बताई है उसको खा के तो आराम मिल रहा है, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि सोचते हैं कि ज़्यादा मात्रा कर लेते हैं तो और जल्दी आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हमें करना चाहिए? पेशेंट का जो मिजाज है,
वो ऐसा ही है कि वो ये सोचने लगता है कि मुझे एक चुटकी बताया है तो मैं और ज़्यादा खा के जल्दी ठीक हो जाऊँ। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि उनकी यानी पोटेंसी बढ़ाई भी जा सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी खाया जा सकता है, लेकिन जिस चीज़ पर आपका हकीम या वैद्य ये कहे कि इसको इससे ज़्यादा ना खाया जाए तो उसको कभी भी उससे ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जैसे गोंद चिलगोजे की बात चल रही है तो ये काफ़ी तेज़ होता है और ज़्यादा लेने पर इसके खुश्की आती है, प्यास लगती है, और हो सकता है कि प्यास ज़्यादा लगे तो आप घबरा जाए। एक चुटकी लेने पर बस इतनी प्यास लगती है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या प्यास तो लगेगी लेकिन कम लगेगी, लेकिन अगर बहुत ही प्यास लग जाए और पानी पीने के बाद भी आपको और पानी लगे तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के लिए भी यह हिदायत की जाए कि आप इससे ज़्यादा न लें तो आप खबरदार हो जाइए कि उससे ज़्यादा लेना अच्छा नहीं। मिथिलेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। मैडम मुझे ये जानना था, मैं गोंद कह रही हूँ, वो ले रही हूँ जैतून का नमक। जी जी। मेरे ब्रेन में क्लॉट्स हुए थे तो काफी दिन हो गए, 2 महीने हो गए मुझे लेते हुए, मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं रोज प्रोग्राम आपका देखती हूँ तो हकीम जी बताते हैं जैतून का सिरका, तो जो मैं जैतून का नमक ले रही हूँ उसके साथ जैतून का सिरका भी ले सकते हैं या दोनों में से एक ही चीज लेनी है? कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं और क्योंकि जैतून का सिरका एक ठंडी प्रवृत्ति का होता है तो कुछ लोगों को जिनको नज़ला का मर्ज, खांसी, बलगम या ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं उनको ये नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसके रोगी नहीं हैं तो आप ये भी साथ में ले सकते हैं और आप इसे इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर नींबू और ये खट्टी चीज़ें आप आसानी से खा लेते हैं और आपको छींकें, नज़ला, खांसी, कफ नहीं होता तो आप इसे ज़रूर ले पाएंगे। आप खुद गौर करें कि आप इसे ले सकते हैं या नहीं और इन दोनों चीज़ों को भी लिया जा सकता है। जी। दयावती जी स्वागत है आपका। और भाई साहब कल बच्चे का वो गले में टोनसन का तो बात तो भूल ले गए बता रहे भाई साहब। और जैसे बच्चे का ना कभी कभी फीवर भी हो जा है, जैसे अभी तो मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से उसी वजह से होता है, वैसे वो तंदुरुस्त रहता है, मतलब फिर भी वो नमक जैतून पीता है तो उसका मलगम ऐसे आता है, वो मतलब खास के ना निकाल देता है खुद ही कि मेरे को मलगम आ गया। वैसे वो बहुत ध्यान रखता है, थोड़ा सा उसको कुछ होता है तो तभी बोलता है कि मेरे को नमक जैतून दे दो। सबसे पहले इसका ही जवाब दू, देखिये एक सिरप आता है बाजार में जिसको कहते हैं शरबत तूत सियाह। अच्छा ये तूत सियाह शहतूत को कहते हैं, शरबत शहतूत भी लिखा होता है कुछ पे शरबत तूत सियाह लिखते हैं। ये बच्चे को आप पिलाएं एक चम्मच 2-3 बार और ऐसे भी पी सकता है और पानी में मिलाकर भी, गर्म पानी मिलाकर पी सकते हैं। ये लगातार दें और ठीक होने के बाद भी काफ़ी दिन दें ताकि ये टॉन्सिल्स ना हो सके। और वो मेथी का पाउडर 1-2 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी, नमक जैतून 1 चुटकी पानी मिलाकर और गरम गरम इसे चुस्कियाँ लेकर पिलाइए तो इससे बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।